चौड़ा साल्ट माइंस ज़िला झेलम की तहसील पिंड दादन खान में वाक़ हैं। यहाँ पहुँचने के कई रास्ते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर से इसका फासला तकरीबन 160 किलोमीटर यानी 100 मील है। अगर आप मोटरवे यानी M2 से आ रहे हैं तो ये कान लिल्ला इंटरचेंज से पिंड दादन खान जाने वाली सड़क पर तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है। खोड़ा साल्ट माइंस पिंड दादन खान से 8 किलोमीटर जबकि ज़िला चकवाल की तहसील चुआ सैदन शाह से 18 किलोमीटर के फासले पर है। माइंस पहुंचने तक इर्द गिर्द के नज़ारे तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस कौमी असासे को जाने वाली कोई सड़क सलामत नहीं। कान उन पहाड़ों में है जो कोहस्तान नमक के सिलसिले का हिस्सा हैं। मादनियात से मालामाल 200 किलोमीटर तवील ये पहाड़ी सिलसिला सदर मुर्तफा पोठोहार के जनूब में दरिया जेहलम के साथ साथ वहाँ तक फैला हुआ है जहाँ दरिया जेहलम दरिया सिंध में शामिल होता है। खोड़ा की कान सतह समंदर से 945 फुट बुलंदी पर है जबकि कान के दरवाजे से पहाड़ में तकरीबन 2400 फुट नीचे जाना पड़ता है। ज़ेर ज़मीन कान 110 मुरबा किलोमीटर यानी 43 मुरबा मील के रकबे पर मुहित है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी रॉक्स। मैं इस वक्त मौजूद हूं खोड़ा साल्ट माइंस पर और खोड़ा साल्ट माइंस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कान है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस कान को किसी इंसान ने डिस्कवर नहीं किया, बल्कि यहाँ जो नमक है, गुलाबी रंग का नमक, दुनिया की बेहतरीन क्वालिटी का नमक, इसे घोड़ों ने डिस्कवर किया। और वो घोड़े थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के। 326 कबल मसीह में जब वो हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ तो उसने इसी इलाके में पड़ाव डाला था, क्योंकि यहाँ साथ दरिया जेहलम बहता है और दरिया जेहलम के किनारे राजा पोरस के साथ उसकी लड़ाई हुई थी और यहाँ उसकी फ़ौज खैमा जंग थी। ये कहानी मैं आपको तफसील से बाद में बताता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिसेप्शन पर। ये मेरे सामने जो है वो रिसेप्शन का एरिया है और मेरे साथ हैं जनाब वहीद साहब। वहीद साहब से हम पूछते हैं कि एक आम आदमी जब आता है यहाँ पर तो वो उसे किन किन मरहल से गुजरना पड़ता है। जी वहीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साल्ट माइन खेड़ा में वेलकम आपको करते हैं। साल्ट माइन एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी बड़ी कान है। तो यहाँ पे जो विज़िटर आते हैं सबसे पहले रिसेप्शन पे आते हैं, रिसेप्शन से टिकट लेते हैं और यहाँ से टिकट लेके इस वॉक थ्रू के लिए आगे चले जाते हैं। अच्छा, तो हमारा जो टिकट है एडल्ट्स का 400 रुपये पर हेड पाकिस्तानी के लिए, बच्चों के लिए 200 रुपये पर हेड, अबव 60 के लिए 200 रुपये पर हेड विदाउट ट्रेन। अगर वो ट्रेन यूज़ करते हैं तो सबका 200 रुपये इजाफी हो जाता है। ठीक है। फॉरनर के लिए टिकट है हमारा $20। ठीक है। तो यहाँ से टिकट लेते हैं, टिकट के ज़रिए फिर आगे जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये रिसेप्शन हॉल है, ये हमारा रिसेप्शन हॉल है। ये सिटिंग अरेंज बना हुआ है विजिटर के लिए। यहाँ पे पानी की सहूलत, वाशरूम की सहूलत, मुख्तलिफ असाशियात यहाँ पे बनाई है। अच्छा जी, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि यहाँ जो मेहमान आते हैं उन्हें बड़ी इज्जत के साथ ट्रीट किया जाता है, बड़ी इज्जत के साथ जो है वो रखा जाता है। ये आप सामने चेयर्स लगी देख रहे हैं, टेबल्स हैं, साथ टकशॉप जो है वो बनी हुई है। मतलब ये कि ज़रूरत की तमाम तर चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ का जो नॉर्मल विज़िट है वो 1 से 1.5 घंटे का होता है और ज़ाहिर सी बात है कि वो जो है वो प्यास भी लगती है, पानी भी पीना पड़ता है और मतलब चाय वगैरह का भी बंदोबस्त होता है। हम आज मेहमान हैं PMDC वालों के और जो है वो पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वही से हमारे साथ थे। हम थोड़ा सा फ्रेश हो लें और फिर जो है वो बाकायदा एक गाइड असाइन किया गया है हमें, वो हमारे साथ साल्ट माइंस के अंदर जाएंगे और हमें बताएंगे कि क्या चीज़ कैसे बनती है, कैसे निकलती है। हम टूरिस्ट से ये भी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अंदर की डिटेल बता सकें कि माइनिंग कैसे होती है। उस एरिया में तो हम शायद ना जा सकें क्योंकि वहाँ ब्लास्टिंग होती है, लेकिन हम आपको बता ज़रूर देंगे कि उसका तरीक़ाकार क्या है। थैंक यू। ये नौजवान टिकट परचेज़ कर रहे हैं और
यही तरीक़ाकार है जो रेट वगैरह बताए गए हैं। ये सैयद शाज गिलानी मेरे साथ हैं आज, ये उन्होंने हाथ हिलाया। रिसेप्शन अगर वैसे तो लिखा हुआ है नो एडमिशन विदाउट परमिशन, तो हम जो है हम अंदर दिखा लें इसको थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या है सर, ठीक है सर, कैसे हैं आप? खैरियत सर, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र। अपना पूरा नाम बताइए। जी मेरा नाम मंसूर अहमद है सर। मंसूर अहमद सर रिसेप्शन के जिम्मेदार हैं। जी सर। और यूँ समझ लें कि थोड़ा सा वाइन में जो टूरिस्ट की इनकम है उसके ये वजीर खजाना है। तो ये माशाल्लाह सर सबकी कंप्यूटराइज एंट्री होती है, ये उसका जो है रिसेप्शन एरिया है। वैसे तो आम लोगों को अंदर आने की परमिशन नहीं है क्योंकि ऑफिशियल मैटर है, लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मलक नईम साहब को बतौर खास प्रोजेक्ट मैनेजर, जिन्होंने जो है वो हमें ये ऑनर दिया। हम साल्ट माइंस का विजिट करने आए हैं। ये सारा कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप आएँ तो आपको जो है वो कोई परेशानी ना हो, आपको ये पता हो कि कहाँ से टिकट मिलनी है, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ से चाय मिलनी है, कहाँ से कोल्ड ड्रिंक मिलने हैं और कैसे आप जा सकते हैं। दो जरिए हैं, पैदल भी जा सकते हैं और ट्रेन में भी जा सकते हैं। देखें हमें जो है वो कैसे भेजते हैं। माइल में दो तरह से आप जा सकते हैं, एक तो पैदल होते हैं, पैदल अगर आप जाएंगे तो 1.25 किलोमीटर जाना है, 1.25 किलोमीटर आना है। इसके अलावा ट्रेन होती है, ट्रेन पर आप जाएंगे तो जहाँ से एंट्री होती है आप बैठेंगे अंदर विजिटिंग एरिया में, वो उतारेगी आपको। विजिटिंग एरिया 1.5 किलोमीटर होता है, वो आप पैदल ही देखते हैं, फिर दोबारा जब आप ट्रेन पे बैठेंगे तो वो बाहर ले आएगी। बाकी टिकट वगैरह का जो प्रोसेस है वो वहीद भाई ने बता दिया आपको। ये हमारा तरीके का थोड़ा सा हमने बता दिया, थोड़ा सा आपने बता दिया, बाकी हम इंशाल्लाह ताला अंदर जाते हैं और फिर देखते हैं चल के। हम तो हमारी रिक्वेस्ट होगी कि मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, जी सर मुझे ट्रेन पर भेजिएगा। ठीक है सर, जिस तरह आप चाहें सर। ठीक है, थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम सर। ये सरकार रिसेप्शन एरिया और सवाल अगर मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आप रूटीन में वर्किंग डेज में कितने विजिटर्स सॉल्ट माइन में आ जाते हैं सर? वो उसका ये होता है ना, जो वर्किंग डे है उसमें तो काफी कम होते हैं। अच्छा, वर्किंग डे सैटरडे संडे को जी, उसको तो कोई थोड़े ज्यादा होते हैं। ज्यादा होते हैं जी सर। ठीक है, सारा डिजिटलाइज और कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। जी जी जी, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है जी। कभी कोई मसला परेशानी जो विजिटर्स हैं उनको दरपेश आया हो सर? ये तो नहीं होते हैं इंशाल्लाह, हमारी भी यही कोशिश होती है, हम अपनी तरफ से भी ये कोशिश करते हैं कि जो भी आता जा रहा है वो हमारा मेहमान है। अच्छा, अपनी तरफ से ये कोशिश होती है कि तकलीफ ना हो किसी। विजिटर्स के हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह हम तो आए हैं जिस स्पेशल परमिशन लेके, जी सर, तो यहाँ कैमराज वगैरह वीडियोस वगैरह अंदर बनाने अलाउ है या नहीं है? विजिटर के लिए नहीं है अलाउ इस तरह सर। मोबाइल पे आपको ये पिक वगैरह बनाना चाहें, यानी कि डीएसएलआर वगैरह है? नहीं सर, नहीं सर, वो आप यूज नहीं कर सकते हैं बगैर परमिशन के। ठीक, वो परमिशन का बगैर यूज नहीं। अच्छा, एक सवाल का जवाब जो शाज गिलानी साहब ने पूछा मैं उसका जवाब दे दूँ। यहाँ सालाना 2.5 लाख से 3.5 लाख के दरमियान विजिटर्स जो है वो आते हैं और ये बहुत बड़ा जो है वो एक मतलब लोगों का की आमद का सिलसिला है। 2.5 से 3.5 लाख बता साल में आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा, लेकिन उसका खेवड़ा साल्ट माइन से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, पिंडराजा खान से आ सकते हैं, लीला इंटरचेंज से आ सकते हैं, जेलम की तरफ से आ सकते हैं, फिर चुहा सदर जहाँ की तरफ से आ सकते हैं, लेकिन जिस तरफ से भी आप आएंगे आपकी पसलियाँ ज़रूर टूटेंगी। ये एक जो है वो ज़रूर है, लेकिन उसका साल्ट माइन से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है, वी आई वी बंदोबस्त है। मैं अभी आपको वो गेस्ट रूम दिखाता हूँ जहाँ मुझे जो है वो कहा गया है कि आप फ्रेश हो जाएं, आपकी चाय से तवाज़ु की जाती है, लेकिन ये तवक्को ना रखिएगा कि आते हुए जो है वो आप पसलियाँ तोड़वा के आएंगे और जाके इंशाल्लाह ताला मालिश भी करवाएंगे। हाँ, हुलिया जो है वो थोड़ा सा चेंज नज़र आया होगा क्योंकि मैं इस वक्त हमें बिठाया गया है VIP गेस्ट रूम में और चाय से हमारी तवाज़ु की जा रही है, उसके बाद हमें बाकायदा गाइड प्रोवाइड किया जाएगा और फिर हम अंदर जाएंगे खेवड़ा साल्ट माइन से। शाज गिलानी साहब चाय नोश फरमाते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये चाय है और ये जो है वो ये भी जो है वो चाय की तवाज़ु की जा रही है। मैं आपको जो है वो
इस गेस्ट रूम का एक मंजर दिखा देता हूँ। ये बड़ा VIP जो है वो गेस्ट रूम है, और जो मेहमान होते हैं ख़ास उन्हें यहाँ मौका दिया जाता है कि वो बैठकर और जो वो चाय वगैरह पी लें। जो PMBC के मेहमान होते हैं, हमें यह आज दिया गया कि हम यहाँ आए मेहमानों की तरह। कुछ स्टैंडिज वगैरह लगी हुई हैं, कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, मैं चाय पी लूँ इससे पहले कि वो ठंडी हो जाए, फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं वो आपको स्टैंडिज जो है वो दिखाता हूँ जो यहाँ इस गेस्ट रूम में लगी हुई हैं। ये क्रिस्टल वैली के नाम से एक स्टैंड लगी हुई है, बड़ा शानदार जो है वो सीन है। ये नीचे तक पर मोर देन 20 ईयर्स दिस एरिया रिमेंड अ पॉन्ड ऑफ वाटर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ट्रांसलूशन ऑफ साल्ट, ये सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई है। ये एक ब्रिज की तस्वीर बनी हुई है, ये भी लगी हुई है इस बेटिंग हॉल में। और ये हम थोड़ी देर में यहाँ से गुजरेंगे। ये तस्वीर है थोड़ा 5.5 अंदर जाने की। ये शीश महल एक अंदर बना हुआ है थोड़ा 5.5 के अंदर, ये इसकी डिटेल लिखी हुई है सारी की सारी। ये भी आपको थोड़ी देर में हम दिखाते हैं। यहाँ सिर्फ तस्वीरें लगी हुई हैं। ये थोड़ा 5.5 टूरिस्ट रिजोर्ट है, जहाँ हम जाएंगे अंदर वहाँ इस तरह के जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई नज़र आएंगी आपको। फिर ये एक और थोड़ा 5.5 के हवाले से एक और ब्रिज की तस्वीर बनी हुई है, रेलवे लाइन इसके ऊपर है। ये सब कुछ आप देखेंगे। और ये मीनारे पाकिस्तान जो है वो ये भी अंदर नमक से बना हुआ है। बड़े ये 5.5 तो है, लेकिन ये अजूबा है, पाकिस्तान का एक अजूबा है ज़मीन के नीचे। तो हम जब जाएंगे नीचे तो आपको बताएंगे कि हम जो है वो कितना नीचे जा रहे हैं। ये भी एक जो है वो थोड़ा सा सीन है। और ये नीचे ये देखें, ये जो 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 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं सारी नमक से बनी हुई हैं। ये मेंटल पीसेज हैं और ये नमक से जो है वो बनाए हुए हैं, नमक से तराशे हुए हैं। ये कारीगरी का बड़ा शानदार शाहकार है। बाहर ये मिलते भी हैं, आप ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन यहाँ ये एज ए मेंटल पीस रखे हुए हैं। तो यूँ समझ लें कि हम 5.5 का जो है वो विज़िट करने नहीं जा रहे, बल्कि एक अजूबा देखने के लिए जा रहे हैं। चंद मिनट और इंशाल्लाह ताला आप अंदर लेके चलते हैं और फिर दिखाते हैं कि पाकिस्तान की और एशिया की सबसे बड़ी 5.5 अंदर से कैसी है। जहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दुनिया की दूसरी बड़ी 5.5 है। पहली मैंने तो पढ़ा था पोलैंड में है, लेकिन सैयद शाज गिलानी कहते हैं कि कनाडा में है। लेकिन मैं अपनी बात पर अभी कायम हूँ कि सबसे बड़ी 5.5 पोलैंड में है, और दूसरी 5.5 दुनिया की सबसे बड़ी 5.5 वो यहाँ है। एनीवे जो भी है, आपको जो है वो दिखाते हैं ले जाकर अंदर से सारा सिलसिले। जी हम हो गए हैं 5.5 की तरफ रवाना। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नौजवान आपके, आपके क्या हाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद कैसर सर। मोहम्मद कैसर, मोहम्मद कैसर जो है वो हमें गाइड करेंगे खोड़ा 5.5 के मेन गेट तक। और वहाँ से फिर हमारे साथ कौन होगा? जी वहाँ से आपके साथ अली हसन साहब। अली हसन साहब जो है वो हमें गाइड करेंगे। ये बड़ा अच्छा शानदार सिस्टम बनाया हुआ है। एंड पर मैं आपको नमक के बारे में एक कहानी भी सुनाऊंगा छोटी सी, जब मैं इसको एंड करूंगा। तो ये हम जा रहे हैं जनाब 5.5 के मेन गेट की तरफ। बड़ा अच्छा नज़ारा, सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। वैसे तो खुद मुझे भी पता है कि कितना इसमें ज़खीरा है, लेकिन हमारे साथ चूँकि अली हसन होंगे तो वो हमें बताएंगे कि इस कान में ज़खीरा कितना है, कितने सालों के लिए काफ़ी हो सकता है और क्या सूरत हाल है। ये एक सुवेनियर शॉप है रास्ते में, यहाँ मैंने आपको डेकोरेशन पीसेस दिखाए थे अंदर रखे हुए, यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं किसी भी किस्म के। हाँ जी, यहाँ से जो है वो लैंप वगैरह, टेबल लैंप और दूसरी चीज़ें, मेटल पीसेस वो मिल सकती हैं। ये जो कान है, जो खेवड़ा की कान है, यहाँ जो सबसे आला क्वालिटी का नमक निकलता है गुलाबी रंग का,
और आज भी दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जो समंदर के पानी से नमक बनाकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान उन खुशकिस्मत मुल्कों में से एक है जहाँ मादनी नमक दस्तयाब है। ये भी एक सविजन शॉप है, ये भी सविजन शॉप है, या मुख्तलिफ चीज़ें हैं मैंने रखी हुई। बहरहाल हम चल रहे हैं आगे। ये जो है वो एक PMDC ने छोटा सा पार्क बनाया हुआ है बच्चों के लिए। ये एक कश्ती लगी हुई है और भूत बंगला बना हुआ है, झूले लगे हुए हैं। मतलब आपको की रिक्रिएशन का या आपके यहाँ से ट्रेन हमारी चलती है, सारे इस ट्रैक से ट्रेन चलती है। अच्छा, इस ट्रैक से ट्रेन चलती है, तो वो ट्रेन चलेगी कब? ट्रेन अच्छा जिस ट्रेन अच्छा जी वैसे तो ट्रेन यहाँ से चलती है, ये जो स्टेशन जो है वो मैंने आपको दिखाया, लेकिन हमारे लिए बंदोबस्त किया गया है कि जो मेन गेट है, ये पटरी नज़र आ रही होगी, हमारे लिए बंदोबस्त किया गया कि हम मेन गेट से उस खास ट्रेन में से शॉट बनाना है ना, उस जगह से आप निकलना ठीक है। ये जनाब अली हसन साहब मेरे साथ हैं और ये हमें गाइड करेंगे, हमें बताएंगे कि इस कान में कितना नमक है, कितना निकाला जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, लेकिन ये चूँकि यहाँ के हैं और इनका काम ही है रोज़ाना, तो डेफिनेटली ये मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है बाहर, मेरा ख्याल है कि वो भी आपको बता देते हैं। ये जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो नमक है ये किसी इंसान ने दरियाफ़त नहीं किया बल्कि घोड़ों ने दरियाफ़त किया। तो इससे पहले कि हम आपको इसकी जो है वो दिखाएं अपना दरवाज़ा, ये जनाब खेड़ा की इसकी बाकायदा हिस्ट्री लिखी हुई है कि खेड़ा में नमक की दरियाफ़त 326 कब्ल हिजरी में उस वक्त हुई जब दरियाए जहलम के किनारे सिकंदर आज़म और राजापुर उसके माबैन जंग लड़ी गई। सिकंदर आज़म की फ़ौजियों के घोड़े इस इलाके में चरने के दौरान पत्थरों को चाटते पाए गए, जिससे यहाँ नमक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था। उस वक्त से यहाँ नमक निकालने का काम जारी है। ये दुनिया में नमक का अहम तरीन ज़खीरा है। बहुत सारे नमक का सिलसिला दरिया जहलम के करीब बेगनावाला से शुरू होकर दरिया सिंध काला बाग में ख़त्म होता है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर, चौड़ाई 830 किलोमीटर और ऊंचाई 2200 फुट से 4990 फुट जारी। सकेसर पहाड़ जो है वो इसकी सबसे बुलंद चोटी है। खेड़ा को अर्जियाती अजायब घर भी कहा करार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ करोड़ों साल पुराने प्री कैम्ब्रियन अहद से मौजूदा दौर तक के हजरी आसार मौजूद हैं। 1849 में अंग्रेज इंतजामिया ने नमक की निकासी का काम सांसी बुनियाद पर शुरू किया। 1872 में एक मरूफ अंग्रेज माइनिंग इंजीनियर डॉक्टर वार्थ ने नमक के जखायर तक बराह रसाई के लिए बड़ी कान की खुदाई कराई जो ताहाल फ़आल है। इस वक्त खेड़ा की कानों में 17 मंजरों से नमक निकाला जा रहा है। साइंसी असूलों के मुताबिक कान से 50% नमक निकाल कर 50% बतौर सतून छोड़ दिया जाता है, जो कि कान की मजबूती को कायम रखता है। खेड़ा कान नमक दुनिया का खुरदरी नमक का दूसरा बड़ा ज़खीरा है। यहाँ 2,20,00,000 टन के ज़खायर मौजूद हैं। अच्छा, मैं साथ ये भी बता दूँ चलते चलते कि जब शुरू में नमक दरियाफ्त हुआ तो इसकी जो तजारती बुनियादों पर नकल व हमल थी वो मुग़लों ने शुरू की थी। जब मुग़लों का जवाल हुआ तो उसके बाद सिख आ गए। ये कान जो है वो सिखों के कब्ज़े में भी रही और सिख और कश्मीर का एक महाराजा था गुलाब सिंह, इन दोनों ने मिलकर इस कान का इंतज़ाम संभाला। उसके बाद फिर अंग्रेज़ आ गए, अंग्रेज़ों ने जो है वो इसको टेक ओवर कर लिया। इसको म्यो साल्ट माइंस भी कहा जाता था, क्योंकि उस ज़माने में जो वायसराय हिंद थे लॉर्ड म्यो, उन्होंने एक दफ़ा इसका दौरा किया था, तो उसके एजाज़ में इसका नाम म्यो साल्ट माइंस कर दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान बना 1947 आया और हमने उनकी निशानियाँ मिटानी शुरू की, तो फिर इसे जो है वो खेड़ा साल्ट माइंस का नाम दे दिया गया। क्यों जी, मैं अगर कहीं गलत बोलूँ मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल, आप सही। अच्छा, अब हमने चलना है? बिल्कुल सर, ये थोड़ा सा चलते हैं। हाँ, अच्छा जी, ये
सामने आपको नज़र आ रहा होगा इसका जो मेन गेट है, हम अभी ये जो ट्रेन खड़ी है इसमें बैठेंगे और फिर जो है वो कुछ 1.25 किलोमीटर का फासला हमने तय करना है। 1.25 किलोमीटर अंदर जाना है हमने। सर हम 1.25 किलोमीटर तक ट्रेन तक जाएंगे। अच्छा, तो और बाकी 1.5 किलोमीटर हम अंदर पहाड़ के अंदर घूमेंगे। थोड़ा सा ऊंचा बोले ताकि इसमें आवाज़ जा सके। देखो सर, ये तकरीबन 1.25 किलोमीटर हम पहाड़ के अंदर जाएंगे ट्रेन पे। अच्छा, उसके अलावा हम 0.5 किलोमीटर जो है वो पैदल। अच्छा, हम ज़मीन से कितना नीचे होंगे? सर ज़मीन के हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होंगे। ओके, ये जो हमने विश्रम पॉइंट बना रखा है ये सर हमारा ग्राउंड लेवल पे। अच्छा, जो हम काम कर रहे हैं जो सर वर्किंग चल रही है वो सर अंडरग्राउंड भी है और अपर लेवल भी है। अच्छा, ये 17 मंजिल सर? 17 मंजिलें हैं। ठीक है, तो हम सर 6ठी मंजिल पे विजिट करेंगे। ठीक है, 5 मंजिलें ऊपर हैं और 11 मंजिलें नीचे। अच्छा माशाल्लाह, वो सारा माइनिंग एरिया है? वो सर सारा माइनिंग एरिया है। ठीक है, वहाँ पे तकरीबन सर हमारे पास 1000 के करीब माइनर हैं जो नमक को निकालते हैं। मुख्तलिफ जगह पर ये लोग मिल के काम कर रहे हैं। रोज़ाना की जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 2500 से 3000 मैट्रिक टन डेली का नमक निकाल रहे हैं। ठीक है, और सालाना जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख मैट्रिक टन जो है आप नमक निकाल रहे हैं, और 80 मिलियन से लेकर कुछ 600 मिलियन मैट्रिक टन तक का ज़खायर मौजूद है। ज़खायर मौजूद है जो अगले 2100 साल तक भी नहीं काफ़ी है। काफ़ी है। ठीक है, चलें आइए जी। आए जी, वो है 2300 साल। हाँ, तो सर बिल्कुल ये इतना नमक है कि काफ़ी चल सकता है। बैठो। तो सर फर्स्ट कब में बैठे ये सारा क्लियर आ रहा है। हाँ, ले जी हम पहुंचे हैं खेड़ा साल्ट माइंस के चांदनी चौक पर। ये चांदनी चौक माशाल्लाह रावलपिंडी में, कराची में, दिल्ली में और लाहौर, फैसलाबाद, तकरीबन हर शहर में। तो यूँ समझ लें कि ये सामने लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, वेलकम टू चांदनी चौक। खेड़ा साल्ट माइंस में चांदनी चौक देखकर बहुत खुशी हुई कि बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे हम अपने शहर में हैं। ये मस्जिद, मीनारे पाकिस्तान, क्रिस्टल वैली, शीश महल, तालाब, ये सारा कुछ आपको दिखाते हैं। और ये भी सर सारा नमक का बनाया गया। अच्छा माशाल्लाह। तो सर ये भी नमक का कैबिन है और इसमें 3 किस्म का नमक यूज किया गया है, जिसमें सफ़ेद है, सुर्ख है और गुलाबी है। ये तीनों कलर सर आप यहाँ पे वाज़ह तौर पर देख सकते हैं। अच्छा जी, मुझे अली हसन बता रहे हैं, अली हसन नाम? जी जी सर, अली हसन मुझे बता रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है या मतलब ये जो है वो नमक का बना हुआ है और उसमें 3 तरह का नमक जो है वो लगाया गया है। आदि भाई, इसमें से व्हाइट है, इसमें पिंक है और इसमें रेड है। व्हाइट, पिंक और रेड कलर के इसमें नमक मौजूद है। व्हाइट, पिंक और रेड कलर के नमक, वाह। तो ये डस्क नमक का टोटली बना हुआ है। हाँ जी, ये डस्क जो है वो नमक का डस्क है। गुड, जबरदस्त जी।
चलिए जी, अब हम जो है वो हम कौन सी मंजिल पर हैं सरकार? अभी सर हम 6th level पे, 6th level पर, और 5 level सर यहाँ से ऊपर हैं और 11 level जो उनसे अंडरग्राउंड है। अच्छा, यहाँ से 11 level अंडरग्राउंड हैं और 5 level जो है वो ऊपर हैं, हम 6th मंजिल पर हैं। ये सर हमारा नमक को निकालने का मेथड है कि आधा नमक निकालते हैं आधा छोड़ देते हैं। अच्छा, आधा नमक निकालते हैं इसको सर कहते हैं रूम एंड पिलर मेथड, के कमरे की शक्ल में और पिलर की शक्ल में। अच्छा, ये सर कमरे की शक्ल में आधा नमक निकाल लिया गया, ठीक है, जितना नमक यहाँ से निकाला गया है आगे इतना ही नमक को छोड़ दिया गया है। ओके, पिलर की शक्ल में सही तरह हाफ निकालते हैं हाफ छोड़ते हैं। अच्छा, उससे मजबूती रहे तो 5 level सर ऊपर है वो इसी पिलर के साथ पे, क्योंकि उनका प्रेशर सारा इस पिलर पे है। पिलर पर अगर सारा नमक हम निकाल लेंगे तो माइन क्लैप कर सकती है। सही, तो हाफ नमक निकाला जाता है और हाफ नमक छोड़ जाता है। सही, ये सर आप देख रहे होंगे ये हमारा एक हॉस्पिटल अभी बंद है, इस पे काम चल रहा है। अच्छा, ये सर हम दमे के मरीजों के लिए एक हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं इसी मंजिल पे। अच्छा, इन लोगों को दमे का मसला होता है। आप डायरेक्ट माइन में काम करने वालों के साथ सांस की प्रॉब्लम होती है? ये सर जो आम आपके जो अमूमन जिंदगी में डस्ट एलर्जी, पोलन एलर्जी, स्मेल एलर्जी, जो अस्थमा के मुख्तलिफ इकसाम है, उनका इलाज यहाँ पे हमारे माइन के अंदर मौजूद है। अच्छा सर, 5वें level पे हमने एक मुकम्मल हॉस्पिटल बनाया हुआ था, लेकिन अभी फैमिलीज काफ़ी आ रही हैं, लोग काफ़ी आ रहे हैं, तो वो जगह कम है, तो ये हॉस्पिटल हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं। नीचे ये भी बिल्डिंग है सर, पीछे भी बिल्डिंग है, तो यहाँ पे भी हम इस चीज़ को लेके आ रहे हैं। अगर किसी को दमे का मसला हो उसको इस किस्म का एक रूम दे देते हैं। अच्छा, सर वहाँ पर उसने रहना है, इस चीज़ को थोड़ा सा इन्हेल करना है, उसका जो दमे का मसला है, उसका जो सांस का मसला है, वो बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। ये अल्लाह ताला ने सर यहाँ पर एक नेमत रखी। माशाल्लाह। अच्छा, ये नमक की तासीर है? बिल्कुल सर, ये नमक की वजह से। अगर सर नमक को आप खास टेम्परेचर पे हीट अप करते हैं। अच्छा, तो हमने इसके अंदर आप देख रहे हैं कि लाइटें लगा रखी हैं, तो इस ये लाइटें सर इस नमक को गर्म करती हैं, और जैसे ही नमक खास टेम्परेचर पे हीट अप होगा इसमें से पॉजिटिव आयंस आएंगे, उस पॉजिटिव आयंस को आप इनहेल करेंगे तो आपको जो लंग्स पे डस्ट है वो क्लियर हो जाएगी, तो आपको डस्ट एलर्जी है, आपको पोलन है, आपको स्मेल है, डस्ट आपने इस चीज़ को सारी जिंदगी इनहेल करना। बिल्कुल सर, सारी जिंदगी। बिल्कुल सर। ले जी, वाह, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ हमें पता चली कि नमक की कान में बाकी सारी चीज़ों के अलावा दमे का इलाज है और जिंदगी भर के लिए अस्थमा जिसको आप कह सकते हैं। बिल्कुल सर, और एक और चीज़ ये कि ये नमक है तो नमक की वजह से यहाँ पे किसी चीज़ की ग्रोथ नहीं है। अच्छा, ये जो हमें फॉग सी फील हो रही है, ये सर हॉस्पिटल पे काम चल रहा था। अच्छा, अच्छा, उसकी वजह से वो सर ग्राइंडिंग कर रहे थे, ये हल्का हल्का जो था वो नमक की। अच्छा, ये हल्का हल्का था नमक जो है। सर बहरा आपने हिस्ट्री पढ़ी है जी, जी। तो ये सर हम छोटे छोटे कैबन हमने लगा रखे हैं, कुछ लोग सर पैदल आते हैं बगैर गाइड के, सही, उनको कोई मसला ना हो। अच्छा, अच्छा, तो ये अच्छा। सर प्री कैमरन का दौर जहाँ पे जब समंदर था, जब समंदर खुश्क हुआ या नमक के पहाड़ बने, तो ये सारी सर हमने हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा करके सारी जगह पे लगाई है। सेम उसी तरह का रूम अभी सर हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं सारा नमक है, ये सारा नमक है जी। आपको ये ब्लैकिश चीज नजर आ रही होगी, तो काफी लोग समझते हैं कि ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक है। अच्छा, काला नमक सर जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है। सही, वो बनाया जाता है। सही, यहाँ पे जो ब्लैकिश सारा आप देख रहे हैं ये सारा कार्बन है। अच्छा, जो हमारे माइनर्स हैं जो नमक को निकालते हैं सर, इस नमक की जो हार्डनेस है वो 2.15 है, इसको निकालने के लिए, इसको तोड़ने के लिए हमें ब्लास्टिंग करनी पड़ती है। अच्छा, तो ये जो जितनी भी आप ये ब्लैकिश आपको नजर आ रहा है ये सारा सर धुआं है। अच्छा, काला नमक सा जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है। सही है। दुनिया में तकरीबन 4 किस्म का नमक है, जिसमें वाइट है, पिंक है, रेड है और ब्लैक सॉल्ट है। सही, 3 qualities अल्लाह ताला ने ऑलरेडी यहाँ पे रखी है, आपको दिखाएंगे। ब्लैक सॉल्ट जो है वो सर आर्टिफिशियल है, तो वो भी हमारी कुछ कह लें कि कंपनीज हैं या PMDC के अंडर हैं, कायदाबाद वाली साइड पर, जो ब्लैक सॉल्ट को तैयार करते हैं। सही। अच्छा, आपका वारशा वगैरह में जो नमक निकलता है जी, जी, उसकी क्वालिटी, ये बेहतरीन क्वालिटी का नमक खेड़ा वाला जो है? सर काफ़ी लोग ये समझते हैं कि जो वर्षा या काला बाग या मकड़ा या सॉल्ट माइन खेड़ा में जो नमक है ये अलग चीज़ है। असल में सर ये एक सॉल्ट रेंज है सर, 300 किलोमीटर इसका टोटल एरिया है जी, जी। तो इस 300 किलोमीटर में सर जितना नमक है वो सेम है। अच्छा, सबका पिंक कलर है? सर टोटली सेम है सर। अच्छा सर, पिंक सॉल्ट सर 70% जो डिपॉजिट हैं वो यहाँ पे पिंक सॉल्ट के हैं। ओके, बाकी सर जो उनसे वो रेड आ जाता है और वाइट आ जाता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट हैं वो सर गुलाबी नमक के, जिसको आप हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं। हिमालयन सॉल्ट कहते हैं। ये सर आपके सामने नमकीन पानी के तालाब हैं। अच्छा, इस तरह के तालाब तकरीबन इस कान में 100 से अबव हैं। अच्छा, इनके साथ जो डेप्थ है वो 20 से 100 feet तक हो सकती है। अच्छा, ये सर हमने बनाते हैं बारिशी पानी जमा करने के लिए, यानी ये 100 के लगभग तालाब मौजूद हैं। 100 के लगभग तालाब डिफरेंट लेवल्स पर, मुख्तलिफ लेवल्स पे सर। ओके, 20 से 100 feet इनकी डीप। ठीक है।
इसमें जितना पानी आपको नजर आएगा ये सारा बारिशी पानी है। अच्छा, इस पानी को सर हम जमा कर लेते हैं और एक खास टाइम के बाद इस पानी को पंप आउट करते हैं आईसीआई सोडा ऐश को, बाहर की साइड पे आपके कंपनी नजर आएगी। जी जी जी। तो वो सर इसे तैयार करते हैं वॉशिंग सोडा। अच्छा, वॉशिंग सोडा इस पानी से तैयार होता है। जितने भी कोई हमारे पास डिटर्जेंट पाउडर हैं, साबुन, सर्फ, शैम्पू, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं, वो इस पानी से बनती है। अच्छा, ये हर लेवल पर मौजूद है। बिल्कुल सर, ये पानी सर इतना ज़्यादा भारी पानी है, इस पानी की इतनी ज़्यादा डेंसिटी है कि खुदा ना खास इसके अंदर कोई चला जाए या गिर जाए तो ये पानी उसे डूबने नहीं देता। अच्छा, लाइक के वो डेड सी की तरह। डेड सी की तरह, लेकिन से डेड सी में जाके आप ट्राई कर सकते हैं, लोग जाते हैं। यहाँ पे आप ट्राई नहीं कर सकते। उसकी से वजह ये है कि अगर डूब गया तो उसकी से वजह ये है कि जो डेंसिटी है डेड सी की वो कम है, इसकी डेंसिटी 100 times ज्यादा है डेड सी से। अच्छा, ये आपको डिहाइड्रेट कर सकता है। ओके, तो इस वजह से हम यहाँ पे आने वाले विजिटर्स को अलाउ नहीं करते कि वो जाके ट्राई करें। तो 100 से ज्यादा है सर, थोड़ा आगे भी है, चलते हैं। अच्छा, चले आगे चलते हैं। गुड। ये काफी इंटरेस्टिंग है, हमें इस चीज के बारे में नहीं पता था, ना किसी ने कोई वीडियो बनाई है इस चीज के बारे में। तालाब भी मौजूद है और जिनकी तालाब 100 से ज्यादा है और हर लेवल पर मौजूद है और डेंसिटी। अच्छा जी, ये कुछ लिखा हुआ है कि नमक का तालाब सब कहलाता है और माइन के अंदर दाखिल होने वाले पानी को महफूज तरीके से इकट्ठा करके पंप करने के लिए बनाया जाता है। यह तालाब 1890 से 1930 के दरमियान बनाए गए। इसकी गहराई 17, लंबाई 100 फीट और चौड़ाई 35 फुट है। इसमें 30 लाख लीटर से ज़्यादा पानी जमा करने की गुंजाइश मौजूद है। फर्श में तालाब की छत का दिलकश अक्स दिखाई देता है। बहरे मुर्दार की तरह तालाब में कोई डूब नहीं सकता। ये बात अभी अभी अली हसन साहब ने हमें बताई है, लेकिन साथ साथ खौफजदा भी किया है हमें कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तैराकी नहीं कर सकते डेड सी में, तो आपको अलाउ है। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, जो सॉल्ट की डेंसिटी है वो ज्यादा होने की वजह से, ये देखें जी तालाब की खूबसूरत मंजर, आप अंदाजा करें कितना खूबसूरत खूबसूरत जबरदस्त। जितनी तारीफ की जाए, ये थोड़ा सा ऊपर देखिए, देखेंगे जितना हमारे पास सर नमक है, अल्लाह ताला की सर कुदरत है। ये देख के इंसान के जुबान पे बेसाख्ता जाता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमने बेशक भी रखा है सुभान अल्लाह। अच्छा, वो सामने लिखा हुआ सुभान अल्लाह, जबरदस्त जी। अच्छा जी, पिंक छत है, नमक मतलब हम नमक के अंदर चल रहे हैं, नमक पर चल रहे हैं और हमारे कह सकते हैं कि रोजाना नमक काफी पेड़ में होता है, अभी हम नमक के पेड़ में। गुड, रोजाना अली भाई ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि रोजाना नमक आपके पेट में होता है, आज आप नमक के पेट में हैं। गुड, जबरदस्त जी। तो आज हम लोग नमक के पेट में हैं, अली भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह हम लोगों से तो बहुत ही आगे, बहुत आला जी। शायद ये नमक सूंघ सूंघ के तेजी आ गई है। तो अली भाई से बीमारियों के हवाले से भी पूछेंगे कि वर्कर्स को यहाँ किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी बीमारियों में वो मुब्तला हो जाते हैं। वही उसी तरह का तालाब जी। अच्छा सर, ये तो खुद बताते तो, और एक नमक है तो नमक से काफ़ी बीमारियों को सर इलाज होता है, बीमारियाँ होती नहीं है। तो अभी आपको मैं माइन का विजिट करा रहा हूँ, आपको कोई मक्खी मच्छर इस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी सर, किसी चीज़ की ग्रोथ नहीं है बिल्कुल। उसके अलावा सर हमारे पास जो माइनर्स हैं, हम लोग खुद हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें आज तक कोई बीमारी या हमारे किसी माइनर को किसी किस्म का कोई मसला इस किस्म का नहीं आया सर। जो कोल माइंस होती हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो माइंस होती हैं मुख्तलिफ मज़दूरों को यहाँ पे बीमारियों का मसला, दमे की बीमारी, तो इस किस्म की, लेकिन सर ये नमक है तो नमक की वजह से सर यहाँ पे कोई किस्म की ना गैसेज है ना सब कोई बीमारी है माशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ, क्योंकि लोगों के जहन में ये एक कॉन्सेप्ट है कि जी कान के अंदर काम करने वाले, असल में वो कोल्स माइन में, सॉरी बात काट रहा हूँ, कोल्स माइन में जो लोग काम करते हैं ना उनके साथ ये इशू होता है कि उन्हें दमे के मर्ज भी होता है, मुख्तलिफ दमे की बीमारियाँ होती हैं उन लोगों को। उसके अलावा सर वेंटिलेशन प्रॉपर ना मिलने की वजह से उनको बीमारियां होती हैं, वो हम आगे जाके आपसे पूछेंगे कि इधर ऑक्सीजन का क्या। तो पीछे सर आपने तालाब देखे जी, तो ये भी सेम तालाब है लेकिन इसके अंदर पानी नहीं है। अगर आपका कैमरा दिखा सके तो आप थोड़ा सा नीचे करके दिखाइएगा, ये सर सारा खुश्क है और खुश्क इसलिए ताकि आने वाले विजिटर्स को तालाबों की गहराई का अंदाज़ा करवाया जा सके कि तालाब के साथ तो गहरे हो सकते हैं। ये तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा गहरा है, थोड़ा सा और कैमरा आगे की तरफ निकाल के कोशिश करते हैं आपको दिखाने की, लाइट भी थोड़ी कम है तो मेरी तरफ आप उसकी गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हो और देख भी रहे हैं।
ये खासा गहरा है जी, ये ठीक ठाक गहरा है, मेरा ख्याल 20-25 फुट से ज्यादा गहरा है, ये ज्यादा गहरा है, ये कोई दो तीन जरा कोई 5-6 मंजिला जो इमारत है उसके करीब तक करीब तक ये इसकी गहराई बनती है, तकरीबन कोई 5-6 मंजिला अगर आप कोई प्लाजा कह लेंगे इमारत कह लेंगे। आने वाले विजिटर्स को थोड़ा नमक की क्वालिटीज का अंदाजा हो, तो हमने इस पूरी सॉल्ट रेंज में से मकसद जगह से हम नमक को लेके हैं। अच्छा। सारा में से नमक ग्राइंड करके रखा हुआ है, इसमें से वाइट कलर भी है, इसमें से पिंक भी है, इसमें रेड भी है, और इसमें ब्लैक सॉल्ट भी है, लेकिन सर वही बात कि जो ब्लैक सॉल्ट है वो आर्टिफिशियल है। वो बनाए जाते हैं, बाकी जितने भी हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ सकते हैं। वाह सर, इस सॉल्ट रेंज में सर 4-5 खाने हैं जहाँ से हम मेन इस प्रोडक्शन को ले रहे हैं, जिसमें सर वर्चा है, मकड़ाच है, काला बाग और लेटा बाग और खेल भी है, तो ये इस सारा नमक ये मुख्तलिफ माइन से हम लेके आए यहाँ पर हमने रखा है। अच्छा, ये जो है वर्षा का है, ये वर्षा का है, ये काला बाग माइन सॉल्ट, ये खेड़ा से है, ये PMDC माइन ब्लैक सॉल्ट है, ये भी वर्षा का है, और ये भी वर्षा का है, और ये PMDC जट्टा बहादुर खेल माइन सॉल्ट से। और खास चीज़ आपको ये क्रिस्टल नज़र आएंगे, स्पेशली सर हम जो नीचे वाले हमारे लेवल्स हैं वहाँ से हम लेके हैं, इनकी आप लंबाई वगैरह चेक कर सकते हैं, ऊपर भी बड़े जस्ट लाइक जिस तरह आइस क्रिस्टल्स बनते हैं उसी तरह ये सर जिनको आप स्टैलेक्टाइट स्टैलेगमाइट का नाम देते हैं, ये सर वो क्रिस्टलाइजेशन हुई हुई है नमक की, और इन क्रिस्टल को सर बनने में बड़ा टाइम लगता है। मजीद आगे की तरफ जाते हैं, बड़ी खामोशी है। ये सर फ्राइडे सैटरडे संडे को काफी ज्यादा हमारे पास गैदरिंग होती है,